क्या फर्क पड़ता है कौन सी तवायफ से दिल बहल रहा है। कभी एक बूंद को तरसे, कभी उनकी मोहब्बत को तरसे। हीरा मंडी के हर एक कैरेक्टर का वन बाय वन इंट्रोडक्टरी वीडियो आ रहा है सामने, और आज ऋचा चड्ढा एज लज्जू का इंट्रोडक्टरी वीडियो आया है सामने, जिसमें वो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रही हैं इन वन लाइन की किस तरह एक लज्जू एक तवाइफ हो रही हैं, इश्क करती हैं और कैसे वो अपनी मोहब्बत को तरसती हैं। उनकी वीडियो की खासियत है पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, लज्जू के एक्सप्रेशन और उनकी स्टनिंग ड्रेस, और ये सब उनके एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मीना कुमारी 2.0 है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है। और अब हम उनके सीरीज में जलवा दिखाने का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड। ऋचा के साथ साथ अध्ययन सुमन एज जोरावर का भी इंट्रोडक्टरी वीडियो आया है सामने, जिसमें वो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक नवाब है और अय्याशी करना उनका शौक और हक है। साथ ही उनका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल द लीडिंग लेडीज, क्योंकि जोरावर का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर भी है और उनका जो बीजीएम है वो बिल्कुल ऐसी ही वाइब्स दे रहा है, जो एक ब्रिलियंट तरीका है अपने हर एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का। और एसएलबी ने अपनी इस फर्स्ट एवर वेब सीरीज में सबको अपना अपना कैरेक्टर और बीजीएम दिया है। साथ ही अध्ययन सुमन एज जोरावर एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि उनकी किलर एक्सप्रेशन और उनके हार्टलेस डायलॉग्स, उनकी कॉस्ट्यूम्स और साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ परफेक्ट है। और साथ ही ये भी इंटरेस्टिंग है कि सीरीज में हम शेखर सुमन और अध्ययन सुमन दोनों ही बाप और बेटे का एक स्क्रीन पर देखने वाले हैं, और ताजुब की बात तो ये है कि दोनों ही फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिनके निशाने पर हीरा मंडी है। इसके साथ ही एक के बाद एक जो सारे ही कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्टरी वीडियोस आ रहे हैं सामने, उन्होंने सोशल मीडिया पर हीरा मंडी का बज बढ़ाया है, और मार्केटिंग करने का ये नेटफ्लिक्स का एक काफी अच्छा तरीका है। और हमें इंतजार है कि अब सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का, क्योंकि मनीषा कोइराला के बाद वही है जिन्होंने ट्रेलर की लाइमलाइट छीनी है, और हमें मलिका जान वर्सेस फरीदान भी देखने को मिलने वाला है, जो दोनों ही हीरा मंडी की सल्तनत की नवाब बनाना चाहती हैं। और साथ ही जब से हीरा मंडी की फोटोज, सोनाक्षी के सॉन्ग और ट्रेलर सामने आए हैं, तब से ही सोनाक्षी शो स्टीलर रही हैं, जिनके बोल्ड अवतार ने हम सबको हुक्ड करके रखा हुआ है। सोनाक्षी के साथ साथ इस फिल्म की स्टेलर स्टार कास्ट में संजीता शेख भी होंगी, जो हर 90s एंड अर्ली 2000s किड्स की टीवी शो क्रश रही हैं, और जिनका टीवी शो हम देखकर बड़े हुए हैं। उन्हें हमने ट्रेलर में देखा है, लेकिन उनकी ज्यादा ग्लिम्स नहीं थी, और ऑडियंस को अब उनके इंट्रोडक्टरी वीडियो का भी इंतजार है कि किस तरह का कैरेक्टर वो इस सीरीज में प्ले कर रही हैं। तो क्या आप हीरा मंडी देखने के लिए एक्साइटेड हैं? वेल, अगर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288500 88.